नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने चेहरे को गोरा चमकदार बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए ही है। इस नुस्खे को चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इस नुस्खे की खासियत ये है कि ये नुस्खा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये नुस्खा एकदम आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसमें हमने जो भी चीज़ें ली हैं एकदम नेचुरली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस तरीके से इस नुस्खे को बना के तैयार किया जाएगा और इसे लगाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको लेना होगा एक चम्मच बेसन। बेसन हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के कालेपन को हटाकर हमारे चेहरे को गोरा और चमकदार बनाता है। इससे हमारे चेहरे पर जो भी दाग धब्बे होते हैं, काले निशान होते हैं, झुर्रियों के निशान होते हैं, सारे रिमूव होते हैं। दोस्तों, बेसन को महिलाएं काफ़ी पुराने समय से अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। तो दूसरी चीज़ जो अब हमें इसमें ऐड करनी होगी दोस्तों, वो यहाँ पर कच्चा दूध। कच्चा दूध दोस्तों हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के अंदर तक जाकर हमारे पोर्स को खोलने का काम करता है और ये हमारी त्वचा से जो भी अतिरिक्त मैल होता है, गंदगी होती है, सबको बाहर निकाल देता है। तो आपको इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर लेने हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में तीसरी चीज़ जो आपको लेनी होगी यहाँ पर, वो है दोस्तों क्रीम। आप जो यहाँ पर कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर क्रीम है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोल्ड क्रीम है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों एलोवेरा की कोल्ड क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच के बराबर इसमें कोल्ड क्रीम ले लूँगा। इतनी सी मात्रा में दोस्तों 1/2 चम्मच के बराबर आपको कोल्ड क्रीम इसमें ऐड कर लेनी है। अब आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। दोस्तों, कोल्ड क्रीम हमारे चेहरे पर नमी बनाए रखती है, साथ ही साथ ये हमारे चेहरे के अंदर तक जाकर हमारे चेहरे की सफाई करती है और हमारे एक चमकदार त्वचा प्रदान करती है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को आपस में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों ये पेस्ट। अब दोस्तों, इसे लगाने का तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले गुनगुना पानी करें और गुनगुने पानी में टावल को भिगोकर अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लें। उसे पोंछने के बाद में आप इस पेस्ट को उंगलियों से इस तरीके से लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई करें। दोस्तों, इस पेस्ट की खासियत ये है कि इस पेस्ट को आप अपने हाथ पैरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके हाथ पैरों की जो गंदगी है, मैल है, सारा हट जाएगा और आपके हाथ पर काफ़ी गोरे और चमकदार बनेंगे। तो इस तरीके से आपको इस पेस्ट को अपने हाथ पैरों पर, अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। जहाँ से भी आप अपना कालापन हटाना चाहते हैं उस जगह पर आपको इस तरीके से इस पेस्ट को अच्छे से लगा लेना है। फिर दोस्तों, आपको इस पेस्ट को 1/2 घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ देना है। 1/2 घंटे बाद जब ये सूख जाएगा तब आपको उंगलियों से इसे स्क्रब करते हुए छुड़ाना है। जिस तरीके से आप अपने चेहरे पर गोल गोल स्क्रब करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको स्क्रब करते हुए इस पेस्ट को छुड़ा देना है और इसके बाद आप अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में आप खुद देखोगे आपका चेहरा किस तरीके से गोरा चमकदार दिखेगा। आपकी स्किन जो है, काले दाग धब्बे पड़े हुए थे, वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे। आप इस नुस्खे को रेगुलर करते रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।